गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको एनसीईआरटी रिजर्व चैनल के माध्यम से क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक का लेक्चर दिया जा रहा है साइंस का। तो हम लोग क्लास इलेवेंथ का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और हम लोगों ने उसमें देखा था फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में। फैसिलेटेड डिफ्यूजन में आपने देखा था कि फैसिलेटेड डिफ्यूजन उस तरीके का डिफ्यूजन है जिसके अंडर में आपने देखा कि कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट आपका हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। अब ये कैरियर प्रोटीन्स क्या है, तो ये आप लोगों को बताया गया था कि ये प्रोटीन्स हैं जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है, जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन जनरली आपका किसी भी मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, देन उस तरीके के डिफ्यूजन को फैसिलेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बहुत पढ़ा था। तो हम लोग को आज जो स्टडी करना है या जो टॉपिक को हम लोग को देखना है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन के अंडर कितने टाइप्स होते हैं, यानी कितने तरीके से फैसिलेटेड डिफ्यूजन होते हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आखिर वैसे कौन कौन से वे है जिसके थ्रू कैरियर प्रोटीन्स जो है वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाट इज द वे बाय विच द कैरियर प्रोटीन्स यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ कम ऑन द पॉइंट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडर फैसिलेटेड डिफ्यूजन, तो किस तरीके से फैसिलेटेड डिफ्यूजन में कौन कौन से टाइप है ट्रांसपोर्ट के, तो अगर हम बात कर रहे हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन की, तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहां कैरियर प्रोटीन आएगा। तो पहला जो आप जो बात कीजिएगा जिसके बारे में या जिस चीज के बारे में, वो है यूनिपोर्ट। उसका नाम क्या है जी? यूनिपोर्ट। तो आइए हम यूनिपोर्ट के बारे में देखते हैं। अब यूनिपोर्ट की बात करें तो यूनिपोर्ट में क्या है, थोड़ा देखिएगा आप। ये एनसीईआरटी का फिगर है। लेट सपोज ये आपका मेम्ब्रेन है और ये आपका कैरियर प्रोटीन है। ये आपका क्या है, यहां लिख देते हैं ना, कैरियर प्रोटीन। नाउ कम ऑन द पॉइंट, ये आपका कैरियर प्रोटीन है। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिपोर्ट क्या है। तो यूनिपोर्ट ये है कि जब किसी भी कैरियर प्रोटीन से इंडिपेंडेंटली कोई एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, जब किसी भी कैरियर प्रोटीन से इंडिपेंडेंटली किसी एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये एक मॉलिक्यूल का कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये जो कोई आपका मॉलिक्यूल ये है, अब इस मॉलिक्यूल ए का ट्रांसपोर्ट आपका इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, जो आपको ये कैरियर प्रोटीन दिख रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल ए का ट्रांसपोर्ट है वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा, यानी कहने का इसका जो आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसके बेसिस पे कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसका वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं होगा। वो इंडिपेंडेंटली आपका एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड, यानी कहने का अर्थ या तो इनटू द सेल यानी या तो आउट टू द सेल। यानी कहने का अर्थ यह है कि आपका जब कभी भी किसी कैरियर प्रोटीन से सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, सिंगल मॉलिक्यूल, इसलिए लिखा हुआ यूनि मीन सिंगल, तब उस तरीके के हम ट्रांसपोर्ट को, उस तरीके के फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट को हम यूनिपोर्ट कहते हैं। और सिंगल बोले तो कहने का अर्थ कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसका जो ट्रांसपोर्ट है, हो सकता है कि इस कैरियर प्रोटीन से और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इंडिपेंडेंटली इस मॉलिक्यूल से ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्लास हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि जब किसी भी कैरियर प्रोटीन से किसी सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम सिंगल तरह के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस तरीके के फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट को या फैसिलेटेड डिफ्यूजन को हम यूनिपोर्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, यूनिपोर्ट के नाम से जानते हैं। जो सेकंड वाला ट्रांसपोर्ट है वो है आपका सिंपोर्ट। आई सिंपोर्ट क्या होता है देखते हैं। अनदर ये क्या है, कैरियर प्रोटीन है। ये क्या है, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। नाउ कम ऑन द क्लास, ये जो आपका कैरियर प्रोटीन जो आपको दिख रहा है, अब ये सिंपोर्ट देख रहे होंगे आप, एंटीपोर्ट देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सिंपोर्ट क्या है, सिंपोर्ट में होता है कि जब किसी भी सिंगल कैरियर प्रोटीन से, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी भी सिंगल कैरियर प्रोटीन से दो तरह के मॉलिक्यूल एक साथ एक ही डायरेक्शन में, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी भी सिंगल कैरियर प्रोटीन से दो तरह के मॉलिक्यूल एक साथ
एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस तरीके के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम सिमपोर्ट कहते हैं। तो सिमपोर्ट का लॉजिक ये है, बस इतना आपको याद रखना है कि दो मॉलिक्यूल एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ और एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा, एक साथ और एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। देखिए यहां पर आपको हम एक समझाना चाहेंगे, यहां पर एक लॉजिक है आपका सिमपोर्ट के पास, एक आपको लॉजिक है जो हमको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिमपोर्ट के पास लॉजिक हमको जो देखना है वो आइए देखिए, एक सिमपोर्ट का एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं, उसको आगे फिर आपको बताया जाएगा, लेकिन यहां थोड़ा सा हमको लग रहा है कि जरूरी है। सोडियम प्लस और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, सोडियम प्लस है और ग्लूकोज जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, तो ये सिमपोर्ट कैसे है, ये क्या होता है, इसमें ध्यान से देखिए, एक कैरियर प्रोटीन से मैंने बोला था कि दो तरह के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट एक साथ एक ही डायरेक्शन में, तो एक मॉलिक्यूल है आपका Na प्लस, उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल है आपका ग्लूकोज, उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन 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 थोड़ा सा यहां पर देख ले, ध्यान दे, जो सोडियम प्लस है आपका ग्लूकोज है, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे क्लास, इसको हम लोग कहेंगे सिमपोर्ट। लेकिन यहां पर होता क्या है कि सोडियम का ट्रांसपोर्ट यहां पर कंसंट्रेशन हाई होता है और यहां लो होता है, ठीक है, हाई से लो, लेकिन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, किस कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हो जाता है। अब कारण क्या है सुनिएगा ध्यान से, इसलिए जी क्योंकि यह है सिमपोर्ट का एग्जांपल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, होता यह है कि सोडियम अगर इधर गया तो ग्लूकोज को भी इधर ही जाना होगा, इसी डायरेक्शन में जाना होगा, तभी वो जाके आपका सिमपोर्ट का जो आप सिमपोर्ट प्रोटीन है, ये जो आपको जो ये कैरियर प्रोटीन दिख रहा है जो, इसको हम सिमपोर्ट प्रोटीन भी कर रहे हैं, तभी यह सिमपोर्ट होगा। लेकिन यहां लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, तो आप बोलिएगा सर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन गया तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रहा ही नहीं, ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आगे पढ़ाएंगे इसको, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करता है वो हाई से लो करता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, क्या रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। बट आपको पता है कि जैसे ही किसी चीज के ट्रांसपोर्ट में एटीपी लग गया, आपको बताया था कि जब किसी भी चीज के ट्रांसपोर्ट में अगर एटीपी रिक्वायर्ड हो गया तो समझ लीजिए कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा समझ लें यहां पर, इसको हम आगे बताएंगे जब आप लोग को एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे इस केस को पूरा डिस्क्राइब करके, लेकिन अभी जितना बताना चाहते हैं वो सुनिए कि ये जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ग्लूकोज जा रहा है, तो यहां जो ग्लूकोज आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन गया, यहां एनर्जी लगेगा, नो डाउट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। बट यहां पर जो आपको एनर्जी इसको मिल रहा है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, जो एनर्जी इसको मिल रहा है वो एनर्जी आपको एटीपी से डायरेक्टली नहीं मिलता है, डायरेक्टली एटीपी से नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको सिमपोर्ट के अंदर रख लेते हैं। और कभी कभी इसी को हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या कह देते हैं जी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो आपने सिमपोर्ट अभी देखा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो यहां क्या कह दिया मैंने, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, कहां पर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जस्ट इसके बाद वाले में। अब देखिएगा ध्यान से आप, तो हुआ क्या, आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट हुआ, तो यहां पर एक लॉजिक ये है कि देखिए ये दोनों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिपेंड है दूसरे पे, यानी कहने का कि जैसे आपने यूनिपोर्ट में देखा था कि जो एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट था, यानी किसी से कोई मतलब नहीं है उसको, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन यहां डिपेंडेंसी है जी, सोडियम का डिपेंडेंसी ग्लूकोज पे है, समझ गए ना, यानी ग्लूकोज सोडियम पे डिपेंड है, ग्लूकोज किस पे डिपेंड है, सोडियम पे डिपेंड है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये डिपेंडेंसी के चलते ये को ट्रांसपोर्ट के अंडर आता है,
किसके अंदर आता है, को ट्रांसपोर्ट, यानी एक साथ ट्रांसपोर्ट होना। किसके साथ ट्रांसपोर्ट होना, एक साथ ट्रांसपोर्ट होना। जैसे कि घर में मम्मी और पापा होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अब डिपेंडेंसी ये है कि पापा कमाने गए तो कमाने के बाद घर में वो पैसा आया, तो पैसा आया, पैसा आने के बाद मम्मी उससे घर चलाती है, खाना बनाना, घर की जरूरत पूरा करना। तो ये क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। दोनों एक साथ चलेंगे तो जो जीवन का जो आप कह सकते हैं कि जो गाड़ी है बहुत अच्छा से चलने वाला है। जस्ट उसी तरीके से है कि यहाँ एक दूसरे पर दोनों का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड है, इसलिए को ट्रांसपोर्ट में आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंटीपोड की, हम बात करते हैं एंटीपोड की, तो एंटी एंटी सब मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि सामने वाला जो बंदा है वो मेरा एंटी पार्टी है, मतलब वो मेरा दुश्मन है। अब अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई भी बंदा अगर दुश्मन होगा तो दुश्मन होगा इसका मतलब हम जो काम करेंगे मेरा उल्टा काम करेगा, यानी कहने का अर्थ है कि वो चाहेगा हमेशा कि हमको नुकसान पहुंचाए। ठीक ना, ऐसा कुछ ही करेगा वो। तो एंटीपोड भी भाई को ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही आता है, और को ट्रांसपोर्ट मतलब जब दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है एक सिंगल कैरियर प्रोटीन से, और दोनों मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है आपस में किसी ना किसी तरीके से जुड़ा होता है। दोनों मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट आपस में किसी ना किसी तरीके से जुड़ा होता है। आपने देखा था सिंपोर्ट में कि एक सिंगल कैरियर प्रोटीन से दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, और यहां पर आपका एंटीपोड में दो मॉलिक्यूल सिंगल कैरियर प्रोटीन से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। अपोजिट, सुनिएगा ध्यान से, कैसे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जब कभी भी किसी सिंगल कैरियर प्रोटीन से दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करे तो उस तरीके के फैसिलिटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट को हम एंटीपोड कहेंगे। मैंने बोला था एंटी, अभी एंटी मतलब क्या, विरोधाभास। आप कह सकते हैं कि मतलब एक मान लीजिए कुछ काम कर रहा है तो दूसरा जो करेगा उसके उल्टा काम करेगा। एंटी बोले तो क्या, अगर मान लीजिए कि अगर ये ए वाला है इन टू द सेल जा रहा है तो बी वाला क्या जाएगा, आउट टू द सेल जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब किसी भी सिंगल कैरियर प्रोटीन से दो मॉलिक्यूल आपका अपोजिट डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करे, और सिंपोर्ट मतलब जब किसी भी सिंगल कैरियर प्रोटीन से दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करें। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपोर्ट एंड द एंटीपोर्ट, और ये दोनों को हम क्या कहते हैं, एक साथ को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट दैट मींस जब दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है एक सिंगल कैरियर प्रोटीन से, इसमें दोनों मॉलिक्यूल जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट एक दूसरे पे डिपेंड होता है। अब बात करते हैं थोड़ा कैरियर प्रोटीन के बारे में हल्का सा। तो कैरियर प्रोटीन भाई मेरे बोले तो मैंने आपको बताया था कि कैरियर प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, वो आपका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इसके बारे में आपको बताया था। लेकिन हल्का सा और देख लीजिए, कैरियर प्रोटीन जो होता है आपका वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह दिया इसको, बोले तो जैसे कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीज होता है आपको पता है, एक आपका बायलिपिड लेयर और एक प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन है तो उसमें से कुछ प्रोटीन कैरियर प्रोटीन के रूप में वर्क करता है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने वाली कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो मान लीजिए कि ये सेल के अंदर का भाग है, यानी कि साइटोप्लाज्म होगा यहां पर, और ये सेल के बाहर का भाग है। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो होगा ना वो दोनों तरफ से निकला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई चीज का ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो यहां पर कोई चीज आता है इसके साथ, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के साथ ये क्या कर जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होकर क्या कर जाएगा, इधर की ओर ट्रांसपोर्ट कर देगा, और इधर से कुछ आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है, मान लीजिए टेक एन एग्जांपल, तो इधर से कुछ ट्रांसपोर्ट करवाना है तो इसके साथ कंबाइन होकर फिर बाहर निकाल देगा उस ऑब्जेक्ट को। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो आप प्रोटीन जो आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ निकला हुआ होता है, पूरे अगर मतलब मेम्ब्रेन को आप कह सकते हैं कि पूरे तरीके से घेर के मतलब बाहर की तरफ भी निकला हुआ होता है, अंदर की तरफ भी निकला हुआ होता है, ताकि वो क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट करवा सके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का। इसलिए इसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब उसके बाद देखिए अगला जो है आपका हाईली सिलेक्टिव, ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव इन नेचर होता है। आपको ये चीज मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगल कैरियर प्रोटीन से ही सारा मॉलिक्यूल के अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, नहीं,
हर एक कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, हर एक कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो स्पेसिफिक तरह के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कैरियर प्रोटीन कोई ए है, तो ये कैरियर प्रोटीन ए जो है वो जो बिग लेटर वाला ए है वो आपका स्मॉल ए के तरह के मॉलिक्यूल, ये आपका कैरियर प्रोटीन है और ये क्या है मॉलिक्यूल है। ये स्मॉल वाला जो बिग वाला ए है आपका वो स्मॉल ए वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। मान लीजिए ये क्यों कैरियर प्रोटीन बी है, तो ये आपका बी को ट्रांसपोर्ट करेगा, बी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस कैरियर प्रोटीन से ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाए और इस कैरियर प्रोटीन से ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हर एक कैरियर प्रोटीन बहुत सिलेक्टिव इन नेचर होता है, खासकर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट्स को लेकर, कि वो खास तरह के कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो खास तरह के मॉलिक्यूल्स को भी क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। आगे आइए, और क्या है, बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं उनके चैनल्स हमेशा के लिए ओपन होते हैं, हमेशा ओपन होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि मतलब उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, वो कभी क्लोज नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कैरियर प्रोटीन है जो कि खुलता भी है और बंद भी होता है, लेट मी एग्जांपल, तो कोई कैरियर प्रोटीन है जो खुलता और बंद होता है, तो अब होगा क्या कि जब सेल को जरूरत पड़ेगी किसी मॉलिक्यूल्स की, तो सेल क्या करेगा, कुछ फैक्टर्स सेक्रेट करेगा, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स या कुछ हार्मोन सेक्रेट करेगा, जिसके चलते ये जो आपको कैरियर प्रोटीन दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये कैरियर प्रोटीन ओपन हो गए, अब इसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और जब सेल को उसकी जरूरत खत्म हो गई तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज होंगे और फिर क्या होगा, फिर से ये कैरियर प्रोटीन क्लोज हो गया, फिर से कैरियर प्रोटीन क्या हो गया, क्लोज हो गया। यानी कैरियर प्रोटीन का ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, जो कि ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, समझ गए ना। यानी कहने का कैरियर प्रोटीन्स, बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स खुले हुए होते हैं, वो बंद कभी नहीं होते हैं, और बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। और कुछ कैरियर प्रोटीन्स के बारे में आपको एनसीईआरटी में जानना है तो थोड़ा सा देख लीजिए हल्का सा। पोरिन्स बहुत लार्ज कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, पोरिन्स जो आपके होते हैं बहुत ज्यादा लार्ज कैरियर प्रोटीन, ह्यूज कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ह्यूज पोर्स, इसमें क्या होता है, ह्यूज पोर्स, बड़े बड़े पोर्स होते हैं इसमें, जिसके थ्रू मीडियम साइज या स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके ये जो पोरिन्स आपको दिख रहे हैं जिसमें ह्यूज पोर्स होते हैं, बड़े बड़े पोर्स होते हैं, इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट इस पोरिन्स के थ्रू आपका होता है। अब ये जो आपके पोरिन्स है ये मेम्ब्रेन्स में, प्लास्टिड में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज में पाए जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे ये पोरिन्स आपके पाए जाते हैं, इसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ये पोरिन्स बहुत चीज के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। और एक आपका जो अलग सा प्रोटीन है उसका नाम कैरियर प्रोटीन, उसका नाम एक्वापोरिन्स है, एक्वापोरिन्स, इसके बारे में तो सीधा ही आप समझ रहे होंगे, एक्वा वाटर से रिलेटेड है जी, एक्वा, एक्वा डेट मीन्स रिलेटेड टू द वाटर। एक्वा डेट मीन्स रिलेटेड टू द वाटर, यानी एक्वापोरिन्स उस तरीके का आप कह सकते हैं कैरियर प्रोटीन है, इसके अंतर्गत इसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ओनली। किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है एक्वापोरिन्स के थ्रू, ओनली वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक्वापोरिन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसलिए इसको कहते हैं एक्वा वाटर चैनल, ये आपका वाटर चैनल है, एक्वापोरिन्स जो आपका वाटर चैनल क्रिएट करता है, क्योंकि इस एक्वापोरिन्स के थ्रू सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है जी, किसका होता है वो ट्रांसपोर्ट जी, सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है जी, एक्वा पोरिन्स के थ्रू होता है, और किसी भी आयंस का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। दैट्स ऑल, अगले क्लास में बाद में बात करेंगे।